इंट्रोडक्शन, ठीक है? तो माइक्रोसॉफ्ट 2000 ऑफिस 2019 इंट्रोडक्शन में आपको बताएंगे कि इंटरफेस में क्या क्या होता है, कौन कौन सा टूल बार होता है, ठीक है? तो सारा कुछ हम लोग आज देखेंगे, और छोटा सा मतलब कि आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को कैसे मतलब स्टार्ट कर सकते हैं, या किसी डॉक्यूमेंट को, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को लेकर कैसे आप अपना रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ आप लेटर कैसे लिख सकते हैं, तो वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले मैं बता देता हूँ आपको कि एमएस ऑफिस 2019 का इंटरफेस कैसा होता है और क्या क्या उसे हम कहते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं ये एमएस ऑफिस 2019 का इंटरफेस है, ठीक है? तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ एमएस ऑफिस 2019 में डेवलप किया है, जैसे कि आपको क्विक एक्सेस टूल, टूल बार बटन, ये नहीं था प्रीवियस वाले 2010 वर्जन में, 16 में शायद था, 16 में हो सकता है, लेकिन 10 में नहीं था। तो इसे हम कहते हैं, ये आप देख रहे हैं, मैं आपको लैब में भी दिखाऊंगा, इसे आप कहते हैं, देख रहे हैं ये वाला जो है, इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार बटन, ठीक है? और इसे हम कहते हैं, ये जो है इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, इसे हम कहते हैं टैब्स कहते हैं, ओके? और ये जो डॉक्यूमेंट वन लिखा हुआ आप देख रहे हैं वर्ड, इसे हम क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं, ठीक है? और ये जो देख रहे हैं मिनिमाइज का बटन, मैक्सिमाइज का, क्लोज का, इसे हम कहते हैं कंट्रोल बॉक्स, ठीक है? और इसे हम कहते हैं, ये जो सारा मेनू आपको दिख रहा ऑप्शन, इसे हम कहते हैं रिबन। और ये जो स्क्रॉल बार रहता है अप डाउन करने का, ये इसे हम कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। और ये जो होता है नीचे जो स्क्रॉल बार होता है उसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। और एक और ऑप्शन यहाँ पे रहता है जूम करने का, कभी आप मतलब कि जूम करके देखना चाहते हैं तो ये होता है जूम स्लाइड कहलाता है, यहाँ पे इसको घटा बढ़ा भी कर सकते हैं, वो आपको दिखाएंगे आगे वीडियो में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड वन और पेज वन, यहाँ पे सारा कुछ डिटेल दिखा रहा है, इसे हम कहते हैं स्टेटस, स्टेटस बार। तो ये जाके माइक्रोसॉफ्ट 2019 का ये इंटरफेस है, और इसी के बारे में हम लोग पूरा एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि होम, होम टैब पे क्या क्या रहता है, इंसर्ट टैब पे क्या होता है, डिज़ाइन में क्या क्या ऑप्शन होता है, कैसे वर्क करते हैं। तो सारा एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, सारा कुछ मैं आपको आज से पढ़ाऊंगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कंटिन्यू अपडेट के लिए दोस्तों के साथ भी शेयर करें और स्ट्रीमलाइफ एकेडमी को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब आपको हम थोड़ा इंटरफेस दिखाते हैं माइक्रोसॉफ्ट 2019 का, और अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं फुल वर्ज़न माइक्रोसॉफ्ट 2019, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको जाने के बाद गूगल ओपन करना है, गूगल ओपन करने के बाद आपको लिखना होगा माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019, और यहाँ पे आपको लिख देना होगा गेट इनटू पीसी। गेट इनटू पीसी, ठीक है? यहाँ पे सर्च कर लेना आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों फर्स्ट में ही आ रहा मैक्रो, सॉरी ऑफिस 2019 प्रोफेशनल प्लस, इस पे आपको
राइट क्लिक करके ओपन कर लेना न्यू टैब में, और यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आपको वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ से